दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और कुछ जो स्मार्टफोन से वो लॉन्च होने वाले हैं इनकी लॉन्च डेट कंफर्म होकर के आ चुकी है। तो कौन कौन से स्मार्टफोन्स हैं, क्या डिटेल है, क्या फीचर्स है, क्या प्राइस पॉइंट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों सबसे पहले बात करूं उन स्मार्टफोन के बारे में जो कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में जो कि यहां पर लॉन्च होने वाले हैं इनकी जिनकी लॉन्च डेट हो गई है। तो सबसे पहला स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है वीवो की तरफ से, वीवो Y78+5G। ये जो स्मार्टफोन है 26 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। यहां पर अगर बात करूं डिजाइनिंग के बारे में तो डिजाइनिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। फ्रंट के साइड में आपको एक कर्व डिस्प्ले डिजाइन देखने को मिलेगी। स्मार्टफोन में 6.78 इंचेस की FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर यहां पर दिया गया है। 50 MP का OIS बेस्ड मेन कैमरा दिया गया है। 44 W का चार्जर दिया गया है। 3 कलर ऑप्शन में ये जो स्मार्टफोन है अवेलेबल है। और ये स्मार्टफोन वीवो वाई सीरीज का पहला स्मार्टफोन है जिसमें कंपनी यहां पर कर्व एमोलेड डिस्प्ले लेकर के आ रही है। ये जो स्मार्टफोन है 26 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में और उसके बाद में ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में हमें देखने को मिल जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है वीवो की वाई सीरीज के बारे में, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगला जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने वाला है लावा की तरफ से और लावा इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपने 2 नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए कंफर्म कर दिया है। सबसे पहला स्मार्टफोन है लावा अग्नि 2 5G, दूसरा स्मार्टफोन है लावा ब्लेज 1X 5G। ये जो स्मार्टफोन है लावा अग्नि 2 5G वो आपको डायमेंसिटी 1080 5G प्रोसेसर पे देखने को मिलेगा। साथ में अच्छी डिजाइनिंग भी आपको देखने को मिलेगी। स्मार्टफोन जो है वो आपको 20,000 के अंडर दोनों ही स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे और पहला जो स्मार्टफोन होगा वो कहा जा रहा है कि लगभग 12,000 से 13,000 रुपए के करीब होने वाला है और यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो मई के महीने में लॉन्च होने वाला है यानी नेक्स्ट मंथ। और यहां पर 10 मई के एक पहले ये जो स्मार्टफोन बताया जा रहा है कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में हमें देखने को मिल जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है लावा के स्मार्टफोन्स के बारे में, आप लावा के स्मार्टफोन्स को परचेज करना प्रेफर करते हैं या फिर नहीं करते, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं, अगला जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने वाला है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो अपनी ए सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है ओप्पो A98 5G। स्मार्टफोन जो है ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 64 MP वगैरह का कैमरा दिया गया है। 32 MP का सेल्फी कैमरा है। 5000 mAh की बैटरी, 67 W की चार्जिंग होने वाली है। तो इन सभी फीचर्स के साथ में ओप्पो A98 जो स्मार्टफोन है वो यहां पर लॉन्च होने वाला। अब यहां पर इसकी लॉन्च डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है लेकिन मई के महीने में प्रोबेबली ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होगा और इंडिया में ये जो स्मार्टफोन है फ्लिपकार्ट वगैरह पे हमें देखने को मिल जाएगा। अगला जो स्मार्टफोन है वो यहां पर ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इस स्मार्टफोन का नाम है टेक्नो स्पार्क 10 5G। जो स्मार्टफोन है वो टेक्नो ने ऑफिशियली इंडिया में अमेज़न पे लॉन्च कर दिया है। और यहां पर बात करूं इस 5G स्मार्टफोन के बारे में तो टेक्नो का एक सस्ता स्मार्टफोन जो कि आपको अंडर 15,000 की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिला है। यहां पर आपको एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है और प्रोसेसर डायमेंसिटी 6020 प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। आपको 16GB 256GB स्टोरेज देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी बात है। टेक्नो यहां पर हाई रैम वेरिएंट और स्टोरेज के साथ में स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहा है। 50 MP का आपको अल्ट्रा क्लियर कैमरा देखने को मिलता है पीछे की साइड और साथ में जो डिजाइनिंग है वो थोड़ी सी यूनिक सी यहां पर देखने को मिलती है। जो स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो अभी टेक्नो ने रिवील नहीं किया है लेकिन उम्मीद है कि यहां पर इसकी जो प्राइस है वो लगभग 14,999 रुपए के करीब होने वाली है। अब यहां पर आपका क्या ओपिनियन है टेक्नो के इस स्मार्टफोन के बारे में जो कि अमेज़न पे लॉन्च हो चुका है, आप इस स्मार्टफोन को खरीदना प्रेफर करेंगे या फिर नहीं करेंगे, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। दोस्तों यहीं तक इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।